the day to robot. Pinky! बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे जैसे इडियट के साथ काम नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझी? ये पाको तो एक ना एक दिन मुझे पागल करके ही छोड़ेगी। अरे झगड़ा हुआ है तो माफ़ी मांग लो, मैं उससे जिंदगी भर सुलह नहीं करने वाला हूँ। वो सामने से आकर माफ़ी मांगे ना तो भी मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। और लगता है उसी का कॉल है। अब सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है पाको, बस बहुत हुआ। मैं पाको नहीं, पायन बोल रहा हूँ। ओ पायन, तुम बोलो। मुझे बूबी ने सब कुछ बता दिया है, तो पाको और तुम में फिर से झगड़ा हो गया है ना? हाँ सही कहा। मैंने पाको को भी कॉल किया था इसी झगड़े के बारे में पूछने के लिए। तुमने पाको को कॉल किया था? उसने अपनी गलती मान ली है और उसने कहा कि वो तुम पर बेवजह गुस्सा हो गई थी। पाको ने माफ़ी मांगी? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। इस बार वो दिल से माफ़ी मांग रही थी। वो कह रही थी गुस्से में कुछ भी बोल देती है लेकिन उसका इरादा किसी को दर्द पहुंचाने का नहीं होता है। सच में उसने ऐसा कहा? मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? वो कह रहा था कि एक लड़की पर उसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वो तुमसे वापस दोस्ती करना चाहता है। ये भी कह रहा था कि उसे खुद सॉरी कहने में शर्म आ रही है। वैसे मुझे पता था वो बुरा लड़का नहीं है। इसलिए मेरे पास एक प्लान है, कल सैटरडे है तो क्यों ना तुम दोनों कहीं बीच पर घूमने जाओ। नहीं, तुम मुझे परमान के साथ क्यों भेज रहे हो? अगर दो दोस्त आमने सामने आकर बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो अच्छा होगा, शायद तुम एक दूसरे में कोई अच्छी क्वालिटीज ढूंढ सको। ठीक कहा ना मैंने? मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या वो आएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे मना लूँगा। तो मैं जरूर आऊँगी। तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। इन दोनों को मनाने में कितनी ताकत चली गई। अच्छा मित्सु, आज शाम को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्यों मिचिको? मेरे पास मूवी के दो टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगे? वाह मूवी! लेकिन मैंने पाको को प्रॉमिस किया है शाम के लिए, अब क्या करूँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं जरूर आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊँगा। ये क्या, मैं पाको के साथ घूमने चला जाऊँ? प्लीज रोबोट मेरी बात समझो, मैं पाको को तो कभी भी मिल सकता हूँ लेकिन मिचिको के साथ मूवी देखने का मौका कभी कभी मिलता है कि नहीं? अगर पाको को पता चल गया कि तुम्हारी जगह तुमने रोबोट को भेजा है उसे घुमाने के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओहो कितना डरते हो तुम, वैसे भी तुम मास्क पहने हुए रहने वाले हो, उसे कैसे पता चलेगा? प्लीज मेरा ये काम कर दो रोबोट ही, कितना सेल्फिश लड़का है ये। कितनी अच्छी सीनरी है ना? हाँ कभी कभी हमें बिना काम के सीनरी भी देखना चाहिए, बहुत मजा आ रहा है। कितनी शांति है ना यहाँ पर, विंटर सीजन शुरू हो गया। तुम ठीक कह रही हो, वैसे देखा जाए तो कितना अच्छा लग रहा है, हम दोनों फिर से फ्रेंड्स हो गए है ना? ओ मुझे तो भूख लगने लगी है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं हम दोनों के लिए टिफिन लाई हूँ। वैसे मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत सारा खाना है, ये लो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वाह ये मेरे लिए लाई हो तुम? हम हमेशा काम करते रहते हैं, खाने को निगलेक्ट करते हैं, आज तुम रिलैक्स होकर खाना, ठीक है? ये सब तुम्हारे लिए है, खाना। थैंक्स पाको, इतने डिलीशियस खाने के लिए। ये पाको तो कितनी समझदार और शांत है, पता नहीं वो मित्सु मिचिको के साथ क्या कर रहा होगा। पता नहीं रोबोट के साथ सब ठीक हो रहा होगा या नहीं, शायद मुझे ही पाको के साथ जाना चाहिए था। क्या बात है मित्सु? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। क्या बात है परमान, आज तुम अलग क्यों लग रहे हो? क्यों क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। वो बहुत गुस्सा हो जाएगी अगर उसे पता चला कि मैं मित्सु नहीं उसका रोबोट हूँ, और ऐसे नाजुक सिचुएशन में रोबोट को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे और चीट नहीं कर सकता, करूँ तो क्या करूँ? मुझसे ये सब नहीं हो रहा, मुझे सच बताना होगा, पर क्या करूँ पाको? क्या हुआ? मुझे माफ कर देना पाको। हाँ? एक्चुअली मैं मित्सु का रोबोट हूँ, मित्सु आ नहीं सका क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मित्सु ने अपना रोबोट भेजा है, अरे वाह! इसका मतलब है कि हाँ हाँ मैं भी पाको का रोबोट हूँ, पाको
को कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो चली गई। प्लीज मेरे लिए इतना काम कर दो, वो मुझसे मिलने के लिए इतने दूर से आए हैं, तो मुझे मिस्टर माइकल के साथ लंच पे जाना होगा। प्लीज मेरा आज काम कर दो। लेकिन परमान को इस बारे में पता चला तो? डोंट वरी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मिस्टर माइकल से मिलने का मौका बार बार नहीं आता। इसलिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसका मतलब है दोनों रोबोट घूमने आ गए हैं, असली परमैन और पाको के बदले में, है ना? हाँ, वो दोनों तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सेल्फिश है। तुम ठीक कह रही हो, वो सारा इजी काम खुद करते हैं और परेशानी वाला काम हमसे करवाते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं भी इंटरनेशनल स्टार माइकल के साथ लंच करना चाहती थी। मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है और इटालियन फूड भी मैं शौक से खा लेता हूँ। पता नहीं मेरी रोबोट कैसे काम कर रही है, शायद मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, यही सही मौका है उन दोनों को मजा चखाने का, क्या कहती हो? लेकिन कैसे? इधर आओ, कान में बताता हूँ। मिचिको, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आया है, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ, ओके? अरे मित्सु, वैसे मैं बहुत जगह गया हूँ लेकिन इस होटल का जवाब ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर माइकल, आप कहाँ जा रही है मिस सुमिरे? अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वेरी सैड। मुझे लगता है मुझे खुद ही वहाँ जाना चाहिए था, अब क्या करूँ? अरे मित्सु, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अच्छा, डेट कैसी रही? पाको को हमारी सीक्रेट के बारे में पता चला? वो क्या है ना कि इसका मतलब है कि हाँ, और वो अचानक रोने लगी। क्या क्या कह रहे हो तुम? पाको और रोने लगी? उसे बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि तुमने उससे झूठ बोला है मित्सु। तो इसका मतलब है कि पाको, चलो जल्दी से बताओ इस वक्त पाको मुझे कहाँ मिलेगी? मित्सु सुनो तो, लगता है तीर सीधे निशाने पे लगा है। पाको, कहाँ हो? पाको, सुनो पाको। मित्सु, कहाँ हो तुम? मित्सु, पाको, परमैन, मुझे माफ कर देना पाको। नहीं, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे अपने बदले में मेरे रोबोट को नहीं भेजना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे मेरे रोबोट को तुमसे मिलने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। हाँ, तो क्या तुमने भी मुझसे मिलने अपने रोबोट को भेजा था? तुमने भी तो तुम्हारे रोबोट को ही भेजा था। ओ, इसका मतलब है दोनों रोबोट ही आज घूमने निकल गए थे। छी, मेरे रोबोट ने तो झूठ बोलकर मेरी हालत ही खराब कर दी थी। क्या कहा तुमने? मारती क्यों हो? तुमने मेरे साथ घूमने के लिए रोबोट को भेजने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुमने भी तो वही किया था ना? क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो घूमने जाने का मैसेज दिया था, मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। क्या कहा तुमने पाको? जो तुमने सुना। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बेवकूफी कर सकता हूँ? हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे तो समझ में नहीं आता हम हमेशा झगड़ा क्यों करते हैं। तुमसे अकेले मिलने में मैं हिचकिचा रही थी, इसलिए वो नहीं मिल पाई। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा था? इसका मतलब है? मुझे लगा तुमसे मिलना कितना एम्बैरसिंग होगा, मैं तुमसे फिर से दोस्ती कर पाऊंगा या नहीं। और जब पाया ने तुमसे मिलने का आइडिया दिया तो मैंने सोचा कि जब तुम मिलोगी तो मैं तुमसे क्या बात करूं। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी, हम दोनों कितना सिमिलर सोचते हैं ना। हाँ, लेकिन सच कहूं तो मुझे मिचिको के साथ मूवी देखने जाने का भी मन था। हाँ? लेकिन जब मैं मिचिको के साथ मूवी देख रहा था तो सिर्फ यही सोच रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। क्या कहा? परमान, इसका मतलब है तुम मिचिको के साथ मूवी देखने गए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। मुझे पता है तुम उसके साथ मूवी देखने गए थे, वो तुम्हें ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैं तुमसे कभी फ्रेंडशिप नहीं करूँगी, तुम बहुत बड़े इडियट हो, दुनिया के सबसे बड़े इडियट। जहाँ से शुरू किया था फिर वही आ गए। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। आई हेट यू। कट।